जय श्री कृष्ण दोस्तों। महादेव के पास हर तरह की समस्या का समाधान होता है। उनकी कृपा दृष्टि जिन पर होती है वो इंसान कभी भी गलत राह पर नहीं चलता। इसलिए कहा जाता है कि अगर सफलता अर्जित करनी हो तो भगवान शिव के दिशा निर्देश पर चलना जरूरी है। महादेव सदैव अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनको सही रास्ता दिखाना और आध्यात्मिक जीवन की तरफ चलने के लिए वो कभी नहीं भूलते। अगर भक्त हमेशा भगवान शिव के दिए गए मार्ग पर चलें, तो उनके हाथ कभी निराशा नहीं आएगी और वो सदैव खुश और कुशल रहेंगे। तो चलिए अब जानते हैं शिव की राह पर चलकर किस तरह से सफलता अर्जित की जा सकती है। प्राचीन काल में एक घटना का वर्णन काफी बार किया गया है। इसमें भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं कि किस प्रकार से सफलता मिल सकती है। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि सफलता कैसे अर्जित की जा सकती है। तब भगवान शिव ने 6 सूत्र बताए। तो आज हम वही 6 सूत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। एक है विश्वास। भगवान शिव कहते हैं अपनों पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। हम किसी मंजिल को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे तो हम किसी भी मंजिल को आसानी से हासिल कर सकते हैं। और वहीं अगर हम निराशावादी होंगे और अपने आप को दूसरों से कम आंकेंगे तो लक्ष्य प्राप्ति कठिन हो जाएगी। दूसरा है श्रद्धा। अपने काम के प्रति, अपने भगवान के प्रति हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए। धैर्य सफलता की पूंजी होती है। अगर हम श्रद्धा और सब्र रखेंगे तो हमारी हर मंजिल आसान हो जाएगी। और वहीं अगर हम अपने मन को हमेशा शंकाओं से घेरे रखेंगे तो किसी भी काम को पूर्ण श्रद्धा के साथ नहीं कर सकते। तीसरा है सच्चा गुरु। हर किसी के जीवन में एक सच्चे गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है। अगर गुरु ना हो तो हम दिशाहीन हो जाएंगे। गुरु का हमेशा आदर करना जरूरी है क्योंकि वे हमारे को सही राह दिखाते हैं, हमेशा ईश्वर के दर्शन करवाते हैं और हमारी लक्ष्य प्राप्ति में मदद करते हैं। चौथा है समता भाव। सफलता अर्जित करने के लिए इंसान को समता भाव रखना चाहिए। व्यक्ति को अपने आप को कभी भी ना श्रेष्ठ समझना चाहिए और ना ही उसे खुद को किसी तुलना में कम आंकना चाहिए। दोनों ही स्थिति में इंसान का पतन होता है और वो सफलता की सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। पांचवा है इंद्रिय निग्रह। हम हमेशा विभिन्न इंद्रियों के चलते बहुत ही चंचल रहते हैं। हमारा मन बहुत ही विचलित हो जाता है और एकाग्रता बनी नहीं रहती। लेकिन हिंदू धर्म में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उपासना करते समय अपनी इंद्रियों पर काबू रखना आवश्यक है। किसी प्रकार अगर सफलता चाहिए तो अपने मन को स्थिर रखना सीखना चाहिए। छठवां है सात्विक भोजन। ऐसा कहते हैं कि अगर आप किसी तरीके का अन्न ग्रहण करते हैं आपका आचार्य वैसा ही हो जाता है। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि अगर सफलता चाहिए तो हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। तामसिक भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर को नुकसान पहुँचता है और साथ ही हमारी काम करने की क्षमता भी इससे प्रभावित हो जाती है। तो ये थे सफलता के 6 सूत्र। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।